भैया हो, राम राम, नमस्कार। कैसे हो आप सब जने? सब जने को राम राम पहुंच गए और बुंदेली समागम को होगा समापन। 3 दिना का भव्य कार्यक्रम और इस समापन के संगे बुंदेली आइडल की जो हमारी प्रतियोगिता पिछले कई दिन से चल रही थी, सो यही प्रतियोगिता को भी समापन भाव और इमे फाइनल के 3 विजेताओं को ऐलान भी भाव। और आज बुंदेली बौछार के स्टूडियो में है बुंदेली आइडल के पहले विजेता लोकेन यादव। लोकेन भैया राम राम, कैसे लग रहो? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बढ़िया लग रहो। उम्मीद थी के आइडल के विजेता तुम ही बनो? नहीं, बस ये था कि मेहनत पूरी करनी है। और सभी बोलो बुंदेली आइडल की बात। हाँ, सो बस ऐसे ही है तो कि अपना अपनी मेहनत करनी और इच्छा जा भी रही कि चूंकि अपनी भाषा बहुत अच्छी लगती और हम तो सीखे भी चाहते हैं कुछ ना कुछ अपनी भाषा में करो जी। और जब आपको कार्यक्रम आओ सो तुम्हें पता चलू तो हमने तैयारी बना ली क्या मैं जाने हैं बस और अपनी प्रस्तुति देने। मुख्य रूप से उद्देश्य जो ही रहो कि जाने हैं और गाने हैं। अब वो जी के अच्छा लगे, सब जन के अच्छा लगो और सब जनों को आशीर्वाद मिलो, गुरुजन ने वो योग्य समझो। और यदि ऐसी हमें आशीर्वाद दो है तो ठीक है, स्वीकार है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन जब आप जो है पहली बार जब आपने पन्ना में ऑडिशन दो तो उसके बाद कल चूंकि जनता के बीच में थे, सब जो चीजें थी जनता के सामने भी थी, सेमीफाइनल में आपने बहुत बढ़िया प्रदर्शन करी, जनता ने एकदम ताली बजाई, जज साहब भी खड़े हो गए 3 निर्णय। तो ये क्या फाइनल में पहले नंबर की उम्मीद थी कि लगभग टॉप 3 में आप हो? सही बताऊं तो भैया ऐसा लगता ही ना तो हमें कि मतलब ऐसी कोई उम्मीद ना थी अपने अंदर से, हमारे से कोई भाव ना तो कि मैं पहला दूसरा तीसरा, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है कि चूंकि बड़ों को आशीर्वाद रहो और तना मेहनत क्षेत्र में रही है तो लगत तो कि हाँ तना मना हो सका कि आ जाइए, पर ऐसा कुछ ना तो मन में जो भाव तो बिल्कुल ही नहीं रहो कि आई या आई जे है, ऐसा कुछ ना तो बस ठीक है जैसा भाव अच्छा भाव। तो आपकी जो मूल जो गायकी है जी को सबने पसंद करी, उन्हें आपको सुर लय ताल को ज्ञान है, आपकी जो शुरुआत मतलब बुंदेली में तो गायन आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मूल रूप से ऐसा लगे कि आप एक प्रोफेशनल संगीत और प्रोफेशनल गायन के क्षेत्र में आप उनकी शिक्षा दीक्षा और अभ्यास है, ये के शुरुआत कहते हैं कि क्या कहानी, और आप मूल रूप से कहते हैं कि रहने वाले जो भी हमारे जो दर्शक हैं उनको जरा बता दो मतलब कहानी आपकी पूरे कहते से यात्रा शुरू हुई। असल में जन्म हमारा सिरसी पटना, ग्राम सिरसी पटना है और तहसील अमानगंज का है, जिला हमारा पन्ना का हो और बुंदेलखंड तो चूंकि कार्यक्रम में भाग ही ले रहे हो के हकदार हैं, उनमें आए हैं तो उसे जाहिर ही है। और शिक्षा की बात करिए तो प्रारंभ में तो गांव में ही जन आसपास अपने स्कूल हैं उनमें शिक्षा भाई, फिर उसके बाद में 12 वर्ष की उम्र में करीब हम चले गए थे हरिद्वार पतंजलि योगपीठ पर जो स्वामी जी महाराज के थे, स्वामी रामदेव जी महाराज के थे, उतः हमारी वास्तविक जो प्रारंभिक शिक्षा होते हैं इतने से हटके भी रही और तना विशेष भी रही और बात चीज हमारे लाने बहुत महत्वपूर्ण भी है। और हम जो माने थे कि आज हमारी विचारिकता और जो भी हमारे सोच भी समझ के भी की और दुनिया के देखे भी की अपनी जो समझ विकसित भई उतना ही भाई जो ज्यादातर लड़का बारन की नहीं हो पाऊगा ऐसा माहौल नहीं मिला। पूछो स्वामी जी जैसा बड़ा व्यक्तित्व जब ऐसा बड़ा माहौल मिला था तो जाहिर सी बात है कि छोटे मोटी समझ के लोग भी बच्चे भी बड़े बहुआयामी हो जाते हैं, प्रतिभावान हो जाते हैं। और तो हमने संस्कृत की शिक्षा ली और संस्कृत की पढ़ाई करने के बाद फिर हमें आचार्य तसे हो गई थी हमारी और हमने प्राचार्यक्रम तसे आचार्य करी और उसके बाद संगीत में विशेष रुचि होती सो फिर हमने बनारस जो है सोची कि बनारस आइए और तो फिर हमने BHU को एंट्रेंस दो और उनमें हम पास हो गए। फिर उतः हम BMU कर रहे जो उनके वह फाइनल ईयर में हम हैं और उतने से हमारी बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट चल रही है, मतलब हमारा वोकल्स हैं क्लासिकल संगीत में चल रहा होगा। तो पूरा अध्ययन आपको लगातार चल रहा है और जो अध्ययन है वो बताओ तो खासतौर संगीत के क्षेत्र में जितनों रियाज जितनों अध्ययन जितनों सुरों को ज्ञान हुई है
ये बुंदेली आइडल में दरअसल जो निर्णायक हैं उनकी कोशिश चाहती कि बुंदेली के शब्दों का अधिकतम प्रयोग हो और संगीत सुन लय ताल को भी ज्ञान हो गए और काय के हमारी बुंदेली की जो देसी कलाकार हैं वे उनके कई बार बोल बहुत अच्छे हो संगीत बहुत अच्छे हो लेकिन जो एक प्रतियोगिता के हिसाब से जो सुर लय ताल जाने उनमें कई बार कमी आ जा जो खासतौर से कई बार देसी कलाकार को लग रही है उनमें क्या कमी रही तो क्या निर्णायक ने बताई अपन को तो संगीत को सा भी नहीं आउ सारे गामा पादा निशा के अलावा आठ के ना आठ सुरबोध के न्यूज जो भी नहीं पता तो अपन तो टिप्पणी कर नहीं सकत लेकिन लोगों में ये क्या बताओ कि बुंदेली आइडल की जो प्रतियोगिता है जो जी तरीके को प्रयास एक भाव तो जो हमारी कोशिश होती कि हम अच्छे गायक में हम आपसे कौन संपर्क तो एक भी हाथों भी नहीं तो हम ऐसे गायक अंदर पहुंचने की कोशिश में थे जिनको हम जानत ना हो और सच सही ईमानदारी की बात चाहे जो तीन के तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं चाहे कविता जी हो चाहे सुरमय जी हो चाहे लोकेन हो हम तीन ही जगह के पहले परिचित दिए थे बुंदेली आइडल के तो हमारी खोज जो है खोज पूरी भाई अब सही दृष्टि से देखिए तो जो तो भैया कह वो बहुत मुश्किल है कि हम स्वर में हैं हम ज्यादा सुरीले हैं और हम उनका ज्यादा कर पा रहे हैं असल में तो वह विद्यार्थी हैं सीख रहे अपनों जैसे गुरुजनों को आशीर्वाद है कर रहे लेकिन हो जो है कि जैसी आप बात कह रहे जा तो हमारी भी बहुत विशेष इच्छा रही है शुरू से कि लोक संगीत होए और लोक संगीत शायद इसे परिवर्तनीय होगा चाहे इसे बच नहीं पाओ कैसे वो शास्त्रीय संगीत से नहीं जुड़ो आज हम राजस्थान की बात करिए उनको अपना संगीत है तो उनके गावे वाले जो है वे खानदानी है और वे संगीत से उनको जोड़े हैं चाहे वे स्वरलिपियन से हो चाहे वे राग से हो चाहे जो कछु से हो परंपरागत तरीके से जोड़े हैं हमारे तो इतने प्यारे प्यारे गीत हैं दीपचंदी में बहुत सारी रचनाएं हैं लोक विधाएं हैं जैसे बाब एक रचना है बनरा गाओ अपने ते गारी गाओ रे आजे मोरे आजे मोरे बनेरा इनवुआ ने हीरा मोरो ठगेलो तुम ताल चला दा निंदा आजे मोर इबम है नाने हीरा मोरो ठगेलो हीरा मोरो ठगेलो रे हीरा मोरो ठगेलो सो आजे मोरे ललेना सो हीरा सो बनरा मोरो हरेलो तो लगत है कि आई में अब आप कहो कि बुंदेली में गुंजास नहीं है हम जो नहीं कही कि हम बहुत विशेष हैं हमें बहुत कछुआ लेकिन इतना तो गुरुजन को आशीर्वाद जैसी मिली है जैसी कोशिश भई है उन्हें इतना समझ में आउ थे कि अगर लोक संगीत सुरक्षित करने अगर उनके आगे बढ़ाने तो उन्हें एक विशेष चीज जाए उनके जो उन चीज जैसी है उनको वही तरीके से आगे बढ़ाओ जा सका अब अगर हम कहें कि लोग कलाकार के ताल को ध्यान ना दो जाए उनके स्वर पे ध्यान ना दो चाहिए कहा करने अपना लोग को गाँव से गा दो काहे अगर हम कोनो चीज के जब तक पूर्ण प्रमाणिकता से ना दे भी हम उनके अगर प्रमाणिक रूप से ना प्रस्तुत कर भी वैज्ञानिकता से ना प्रस्तुत कर भी तो हमारी लोक विधा हमें तक सीमित रह जाए उनके दुनिया अपना है कैसे अगर भाषा की लिपि ना हो भैया तब वह भाषा कभी भी समग्रता में नहीं आ सका वह रह जाए खत्म हो जाए पहले दूषित हुई है नष्ट हो जाए सो बस ऐसे ही है जैसे आप कह रहे कि हमें ऐसे कलाकार ढूंढने थे ऐसा चाहने थे तो हम तो प्रयास में रहे हैं कि हम सीख के भी ई भाषा में जो हमारे पसंदीदा कछु गाना रहे जैसे शेर और हम हमें बहुत पसंद है अब वो जब गाओ थे आप देखो सावन तो बारिश गिरी और कौड़ुआ बना के जब गिर गिर घूम कर लठियों की आवाज आउ थे वो मैं शुरुआत करा हरे डड़ला में डड़ला हरे हरे सो मिलो हाँ डड़ला में डड़ला अरे सो मिलो हो अरे मिली ताल में ताल सबरे सहरुआ अरे सो मिलो हो अबे तो सीधे सीधे होगा लेकिन अगर रिम अपन करिए अरे सो मिलो ऐसो मिलो ऐसो मिलो अरे सो मिलो हो शेरी में डड़ला
डड़ेला मेरे डड़ेला, अरे सो मिलो लगत है कि अंदर से रोंगटे खड़े हो जा, लगा कितनी जानदार चीज है और कितने दिन से बचा के रखी हमने। ना कछु भैया दो ठैया वादी बजाओ, ढोलक बजाओ और मंजीरा बजाओ, लेकिन मजाल है कि तना मना फेल हो जाए। ये सो लगत है सो लुचके भगते गाओ थे तो बिना जानवे बारो एकदम लठ आदमी हुई हो भी जून जे तो ताकत तो है। अपन कितना समझ पाई कैसा कर पाई आपकी जब खोज है, और हम तो कही कि हमसे अच्छे कलाकार लोग आप पहुंचो और उनकी तरफ से जी चीजें आ गया और ऐसे स्वर में तरीके से आ गया तो वो तो गौरव की बात है हमारे पूरे बुंदेलखंड के। तो अब आगे अपन को मिलके जितनी विधाएं हैं इनको मिलके इनको एक संकलन तैयार करने, बाकी और भी तमाम सारी ऐसी कोशिशें हैं, क्योंकि एक पिछले दिनों हम लोगों को एक विचार बने कि बुंदेलखंड की जितनी विधाएं हैं उनकी एक तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी अपन सब बना लें, ताकि ये विधाएं ये परंपराएं अपनी कम से कम सुरक्षित और संरक्षित हो जाए कहीं में हो संगे। अरे भैया जो हमारे लाने गौरव की बात है कहाँ लगा कि बेटा हमारे पिताजी बात को कहो करा कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत ताका धन संचय, कि अगर पूत सपूत है ताभी धन को संचय करने की जरूरत नहीं है वो कमा खा ले, और पूत कपूत ताका धन संचय कि अगर वो कपूत न कर गो तो ऊखे भी कछु धन संचय करने की जरूरत नहीं है, कर दे सब नाश कर दे। सो ऐसे ही है कि बुंदेली तो हमारी मताई है और हमारी माँ है, हम चाहे कितना दूर चले जाइए कहाँ लगा के घर तो आदमी कैसे भूल जाए। सो कहूँ भी जो है भूलो भटको अपने घर आ है, और अगर अपनी मताई की सेवा को सौभाग्य लड़का के मिले और कछु कह दे रहे के बड़े भाव में कह दे रहे के बड़ी में कह दे रहे कि अरे हाँ ही कर भी तो ऐसा नहीं है। जो तो हमारे लाने गौरव की बात है और भैया अच्छो ही है कि हमें हमारी जननी की अपनी जन्मभूमि की जो है सेवा करने को मौका मिले, अपनी भाषा की भाषा को गौरव बढ़ाने को अवसर मिले था काय नहीं भैया, हमें तो तैयारी है हम तो एक ही लाने हैं। तो बढ़िया हम लोगों की कर्तव्य है आगे की तैयारी, जो भी जो लोग बुंदेली आइडल जीते हैं पहले दूसरे तीसरे नंबर पर है, जो बाकी आठ में रहे जो 32 है और बाकी 200 लोग जिनने ऑडिशन दो सब बुंदेली पोछार के परिवार के सदस्य हैं, और बहुत सारी नई नई चीजें अकेले जो आइडल एक प्रतियोगिता नहीं होती है पूरे एक समूह विकसित कर वो तो कि बुंदेली के लोक गायकों को एक समूह विकसित हो जावे, उनकी तमाम सारी विधाओं से हम परिचित रहे, चूंकि हम कस्बा में रहे हम बहुत गाँव में नहीं रहे तो हम कई विधाओं से हम खुद भी अनजान हैं, तो हम भी जो रोज हर दिन कछु ना कछु सीखने को प्रयास कर। सो ऐसे ही बढ़िया एक से एक प्यारे गायक हम लोगों को मिले। लोके भैया आप जरा सेमीफाइनल फाइनल में जो अपन ने प्रस्तुति दी लाइव जो दर्शक अब आप उसके इंटरव्यू में जुड़े हैं तो जरा दो दो लाइन उनकी बस आप कर दो। अपन ने पंडित श्री देशराज जी की रचना थी कि नैया को नहीं जो दोरो, तब हमने निभावे को प्रयास करो सेमीफाइनल में, और फाइनल में हमने हमारे दादाजी की लिखी एक रचना थी जइयो जइयो नारी जइयो ब्रजनार के लिए को जल भरवे, तो दो ही रचनाएं ऐसी हैं। अधम अजामिल
अधम अजामिल अधम अजामिल अधम अजामिल नाम सुनाए अधम अजामिल नाम सुनाए। तो ओई दो रे में दो रो ओई दो रे में दो रो हमाए लाने मोना मरो रो नैया को नोई जो दो रो हमाए लाने मोना मरो रो। जा तो रचना सेम फाइनल के लिए और फाइनल की रचना केरी जइयो जइयो नारी जइयो ब्रज नार अकेली को उजल भरने जइयो जइयो नारी जइयो ब्रज नार अकेली को उजल भरने। एक दिन में गई अकेली बात सुनो बात इनकी एक दिन में गई अकेली बात सुनो बात इनकी और चली जाती थी चित्त लगाए रे चली जाती थी चित्त लगाए ता नजर परी मोहन की चली जाती थी चित्त लगाए नजर परी मोहन की। तो रे बोले बोले री बोले री हंस बोले नैना मार अकेली को उजल भरने जइयो जइयो नारी जइयो ब्रज नार अकेली को उजल भरने जइयो जइयो नारी जइयो ब्रज नार अकेली को उजल भरने। बहुत शानदार प्रस्तुतियां अब आपको पता चल गई है कि आखिर विजेता का है। बढ़िया आवाज सुर लय ताल को ज्ञान और जित तो हमें ज्ञान अब तो हम बता पा रहे हैं ज्यादा संगीत हमें आते नहीं है लेकिन बहुत बधाई। और इसके बाद कुछ और विशेष चीजें हम जो भी हमारे ये विजेता और बाकी कलाकार हैं उनके संगे लगातार बुंदेली को चार पिले आए कहा कि मकसद जो ही है कि अपनी बुंदेली को अपनी परंपराओं को अपने गीतों को अपने लोकगीत को अपनी लोक परंपराओं को बचाने हैं। हम एक कदम चल रहे बाकी सब संगे चले तो आप जत्य मानो कि जो प्रयास है वो पूरा हो जाए। राम राम।